Hello student, today we see the next topic, that is De Morgan's theorem. There are two theorem in that, first theorem and second theorem. So see the De Morgan's theorem, that is first theorem is that AB bar is equals to A bar plus B bar. Okay, उसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, NAND is equals to bubble OR. ये जो इक्वेशन है ए बी बार, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, NAND, और ए बार प्लस बी बार, इसको ही हम क्या बोलते हैं, bubbled OR, क्योंकि इसके बीच में किसका साइन है, प्लस मीन्स OR, ठीक है, और यहाँ पे डॉट मीन्स इट इज AND, और ऊपर अगर बार रहा तो वो क्या होता है, दैट इज NAND. ठीक है, अभी ये जो है फर्स्ट थ्योरम है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ता है, और इसका स्टेटमेंट जो है वो भी देख लेंगे हम लोग. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो दो इनपुट लेना पड़ेगा. यहाँ पे दो इनपुट है, ए और बी, ए और बी. तो सबसे पहले दो इनपुट जो है ले लेना. तो सबसे पहले जो है डायग्राम जो है सिंबल वो देख लेंगे. तो यहाँ पे देखो ए और बी दो इनपुट है, ठीक है, इसका पहले ड्रॉ करने वाले हैं, पहले ए बी बार का. तो कैसे आएगा, ये हो गया एंड और ये हो गया बबल, ठीक है. बार का क्या लेते हैं अपन, आगे है एक बबल लेते हैं. तो ये इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल्स टू ए बी बार. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है ये सिंबल किसका है, दैट इज एंड सिंबल है, और उसको अगर बबल लगा दिया आगे तो वो किसका आता है, इट इज नैंड, ठीक है. और इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बबल जो है वो क्या रहता है, नॉट का क्या रहता है, साइन रहता है. तो नॉट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉट का सिंबल है, ए के बाद में नॉट का सिंबल निकालते हैं और बी के बाद में भी नॉट का सिंबल निकालते हैं. उसके बाद जो है ये क्या है, और है, मीन्स ये जो साइड है ए बार प्लस बी बार, ये इसका इक्वेशन, इसका सिंबल है और ये इसका सिंबल है, ठीक है. तो इसका जो सिंबल है देखो क्या है, ए बार, ए का बार मीन्स नॉट गेट, बाद में क्या है बी बार, तो बी का नॉट गेट, और ये दोनों किससे ज्वाइन है, प्लस मीन्स इट इज और गेट. सो इन दोनों को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया है, और गेट से. तो ये हो गया इसका सिंबल. अभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए और यहाँ पे बबल, नॉट के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, बबल आएगा, फिर से ये नॉट के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, बबल आएगा, तो भी ये सेम ही रहेगा, वाई इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, ये और ये सेम है, ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये इसका सिंबल है, ठीक है. इसके बाद में इसको प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए. तो दो इनपुट ले लेना, देखो ए और बी, मैंने दो इनपुट ले लिया, और प्रीवियस लेक्चर में ही बताया अगर दो इनपुट रहे तो आपको लिखना है 0011 0101, ठीक है. वन और जीरो के फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट जो वैल्यू है आपकी वो रहेगी 0011 और सेकंड रहेंगे 0101, ठीक है. अभी क्या करना है, फर्स्टली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेना, दैट इज ए बी बार, ठीक है. बाद में क्या चाहिए अपने को, ए बार प्लस बी बार चाहिए, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल ए बार और बी बार निकालना पड़ेगा. तो ए बार बी बार, फिर इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जो है और गेट से ज्वाइन कर देंगे, ए बार प्लस बी बार. अभी ये कॉलम और ये कॉलम जो है अपना सेम आना चाहिए, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है. तो देख लो अभी ये इनपुट तो अपना सेम रहता है, तो आपको पता है जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो ट्रूथ टेबल बताया था वो आपको लर्न करना पड़ेगा सभी गेट्स का. तो देखो क्या होता है, जीरो एंड जीरो क्या आता है, इट इज जीरो आता है, ठीक है. लेकिन उसका क्या है, नॉट है, मीन जीरो का यहाँ पे क्या होगा, वन. उसके बाद में जीरो एंड वन क्या आता है, जीरो आता है,
ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसके क्या करेंगे, निगेशन करेंगे, ठीक है। वन आया तो जीरो लेंगे, जीरो आया तो वन लेंगे, तो क्या आता है, जीरो एंड वन इट इज जीरो, जीरो आता है लेकिन उसका क्या लेना पड़ता है अपने को, निगेशन, तो वो क्या होगा वन। उसी की तरह बाकी भी सॉल्व करना है, वन एंड जीरो इट इज जीरो आता है लेकिन उसका अपने को निगेशन लेना है तो क्या आएगा वन, ठीक है। बाद में वन एंड वन क्या आता है, यहाँ पे वन आता है बट उसका निगेशन क्या लेना पड़ेगा जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट साइड होगी अपनी, बाद में ए बार निकालो तो ए कितना है, यहाँ पे जीरो है तो क्या आएगा इधर, बार एन ए, जीरो का क्या होता है वन और वन का जीरो, तो यहाँ पे जीरो का वन आ गया इधर, बाद में इधर भी जीरो का क्या आ गया वन आ गया इधर, बाद में इधर वन का क्या आएगा जीरो आएगा इधर, फिर इधर वन का जीरो। उसी की तरह बी का भी सॉल्व कर लें, देखो जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन और वन का जीरो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, इन दोनों का और गेट निकालना है, ठीक है। अभी इन दोनों का क्यों, क्योंकि अपनी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए बार प्लस बी बार, प्लस मीन्स और, तो और गेट का टेबल आपको पता है, तो उसी की तरह सॉल्व करना है। वन और वन क्या आता है, वन आता है, इसका निगेशन नहीं लेना है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या लिया, ले लिया है इसका निगेशन ले लिया है, तो इधर आपको निगेशन नहीं लेना है। बाद में क्या आता है, वन और जीरो इट इज वन, जीरो और वन इट इज वन, जीरो और जीरो इट इज जीरो, ठीक है। इसके लिए आपको वो जो ट्रूथ टेबल है सभी गेट्स के वो लर्न चाहिए। तो अभी ऑब्जर्व करो, ये टेबल और ये टेबल क्या हो गया, अभी सेम हो गया, मीन्स क्या हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड अपनी प्रूफ होगी, ठीक है। अभी इसका हम लोग क्या, जो थ्योरम है उसका जो है डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द नैंड गेट विथ इनपुट्स ए एंड बी। अभी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट नैंड गेट, यहाँ पे क्या है नैंड गेट है विथ इनपुट ए और बी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है एंड गेट है विथ इनपुट ए एंड बी, ये इक्वेशन ही जो है बुलियन इक्वेशन किसका है नैंड गेट का है। उसके बाद में राइट हैंड साइड का भी लिखना है अपने को, क्या है द राइट हैंड साइड ऑफ द थ्योरम रिप्रेजेंट द और गेट, और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस किसका है और गेट का विथ इन्वर्टेड इनपुट। अभी इनपुट क्या है यहाँ पे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स निगेशन, दैट इज नॉट ए बार और बी बार, ठीक है। और गेट है लेकिन इनपुट का क्या है इन्वर्जन है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द थ्योरम रिप्रेजेंट द और गेट प्लस है तो विथ इन्वर्टेड इनपुट, बार है इसलिए इन्वर्टेड इनपुट, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बबल्ड और गेट इज कॉल्ड एज अ बबल्ड, इज कॉल्ड एज अ बबल्ड और, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, दोज वी कैन स्टेट द डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यही थ्योरम को उन्होंने स्टेट किया है, देखो कैसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे इक्वेशन आपको पता है राइट हैंड साइड में क्या था, प्रोडक्ट है ए डॉट बी मीन्स प्रोडक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट इट इज इन्वर्जन निगेशन ये उसके नाम है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, इज इक्वल टू क्या था एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस एन एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या हो गया, इसका स्टेट हो गया, फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने स्टेट कर दिया है, ये आप लोगों को एग्जाम में भी पूछता है ये थ्योरम, तो ये आपको बताना पड़ता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है और सेकंड जो है वो क्या है एडिशन है, ठीक है। अभी सेकंड थ्योरम देखेंगे इसी का, ओके, सेकंड थ्योरम जो है एग्जैक्ट अपोजिट है फर्स्ट के, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है देखो सेकंड थ्योरम क्या है, ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। अभी यहाँ पे प्लस है मीन्स क्या होगा, ये बार है तो क्या आएगा नॉर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या आएगा, यहाँ पे डॉट है मीन्स एंड आएगा, और ऊपर में बार है तो बबल्ड आएगा, तो उसी को हम वो क्या बोलते हैं, बबल्ड एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले सिंबल देख ले लेंगे एक एक का। तो फर्स्ट जो है सिंबल देखो, ऑलरेडी बताया है मैंने ए प्लस बी मीन्स इट इज ऑर गेट का सिंबल आता है, और ऊपर में क्या है नॉट गेट, तो आगे हम लोग क्या लगा देंगे, इट इज बबल, तो ये सिंबल हो गया इसका। उसके बाद में इधर देखो यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, ए बार का मैंने बोला है क्या, इट इज नॉट गेट, यू हैव टू टेक नॉट गेट, देन बी, देन अगेन नॉट गेट, एंड देन ज्वाइन विद द डॉट है मीन्स इट इज एंड गेट है, ठीक है। डॉट है तो एंड गेट, और प्लस है तो और गेट, तो यहाँ पे हो गया ये इसका सिंबल। और इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो नॉट गेट है यहाँ पे इधर क्या लगा सकते हैं, बबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बबल, तो ये दोनों सिंबल्स क्या है, सेम है इसके, y इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड अपने को प्रूफ करना पड़ता, ठीक है। अभी इसमें भी सेम इनपुट लेना है आपको, चार इनपुट लेना है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे फिर से जो फर्स्ट है वो क्या है, ए प्लस बी बार है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सिंगल सिंगल लिखना है जो प्रीवियस इसमें लिखा था, ए बार बी बार, और इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट है इधर। तो अभी सेम आपको टेबल याद रहना चाहिए और एंड गेट का। तो यहाँ पे पहले अपने को क्या करना है, और करना है और उसका निगेशन लेना है। तो 0 0 क्या आता है, 0 और 0 क्या आता है, 1 0 आता है, बट यहाँ पे निगेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर से 0 और 1 इट इज 1 आता है, बट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऊपर निगेशन है नॉट गेट है, तो 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल के हिसाब से यहाँ पे फिर से 1 और 0 इट इज 0 सॉरी 1 आता है, तो उसका 0 लेंगे। उसके बाद में 1 और 1 क्या आता है, इधर 1 आता है, तो उसका हम 0 लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर से सिंगल सिंगल ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, फिर से बी का 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और 1 का 0। उसके बाद में ये दोनों का क्या करना है अपने को, एंड गेट करना है। तो 1 एंड 1 इट इज 1, 1 एंड 0 इट इज 0, 0 एंड 1 इट इज 0, एंड 0 एंड 0 इट इज 0, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्व करो, ये कॉलम और ये कॉलम क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद में स्टेट करना है, जो पिछले बार हम लोगों ने थ्योरम फर्स्ट में स्टेट किया है वैसी थ्योरम सेकंड स्टेट करना है। तो देख लो, फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड में अभी क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द नॉर गेट, यहाँ पे प्लस है मीन्स इट इज नॉर गेट, ऊपर निगेशन है तो विद द इनपुट्स ए एंड बी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, इट इज एंड गेट, ओके। राइट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द एंड गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट्स ए एंड बी, सच एंड गेट इज कॉल्ड एज अ बबल एंड, ठीक है। अभी इसको स्टेट स्टेट भी देख लेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, दोज वी कैन स्टेट द मॉर्गन सेकेंड थ्योरम दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन। अभी इधर क्या है, प्लस है, तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे बनाना है सेंटेंस स्टेटमेंट का देखो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड थ्योरम, जो है स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों थ्योरम आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो है यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया है।
थैंक यू।